वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। आज कीमती धातु में गिरावट देखी गई है और इसी के साथ में सोने और चांदी के गहनों को लेकर भी बड़ी खबर है। जी हाँ, भारत सरकार जल्द ही घर में पड़े सोने और चांदी की ज्वेलरी को लेकर बड़ी कार्रवाई करने वाली है। ऐसे में अगर आपके पास भी सोने और चांदी की ज्वेलरी है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ में अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। आपके एक लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम रोजाना आपको काम की बड़ी खबरें देते रहे। चलिए तो पहली बड़ी खबर है कि भारत सरकार आम आदमी को देने वाली है बड़ा तोहफा। आवास योजना के तहत 10 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी गई। जी हाँ, भारत सरकार जल्द ही आम आदमी को बड़ा तोहफा देने वाली है। पीएम आवास योजना के तहत लगभग 10 लाख से ज्यादा मकान बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास योजना के तहत मकान बन चुके हैं और इस साल के अंत तक 60 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है, जबकि 80 लाख घरों को निर्माण के लिए तेजी से काम करना होगा। वहीं आपको बता दें कि पीएम आवास योजना उन गरीब लोगों के लिए है जो बेघर है, जिनके पास में कोई भी घर नहीं है। उन्हें इस योजना के तहत सस्ती कीमतों में घर दिए जाएंगे। चलिए तो अगली बड़ी खबर कि अयोध्या में श्री राम मंदिर से होगी 32 लाख करोड़ रुपए की कमाई, रोजगार और अर्थव्यवस्था में भारी तेजी आएगी। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर निर्माण खत्म हो चुका है और अब जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। खबरों की माने तो यह मंदिर बाकी सभी मंदिरों से काफी आधुनिक होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसार यह मंदिर देश के बाकी सभी मंदिरों से अलग होगा। कई आधुनिक तरीके से इस मंदिर को बनाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण से सबसे ज्यादा फायदा होगा तो टूरिज्म इंडस्ट्री का ही। जी हाँ, भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में छाई हुई है। हर कोई भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि करोड़ों विदेशी लोग भारत में मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं, जिसका फायदा टूरिज्म इंडस्ट्री को होता है। पिछले 5 सालों की बात करें तो लगातार टूरिज्म इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हुई है। वही जानकारों की माने तो उनका कहना है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर का कारोबार लगभग 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि अब 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 32 लाख करोड़ रुपए तक का कारोबार बनेगा। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दे कि यूपी सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यहाँ पर भगवान राम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का भी प्लान है। और इतने नहीं बल्कि यूपी सरकार इंटरनेशनल श्री राम एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मंदिर मॉडल पर हाईटेक रेलवे स्टेशन भी बनेगा। सरयू नदी के किनारे 5-स्टार होटल बनाए जाएंगे, यानी कि अब कुछ ही महीने में अयोध्या का रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि भारत सरकार दे रही है बिना पहचान पत्र के लोन, जानिए कैसे। जी हां, जानलेवा बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान रेवड़ी पटरी वालों को हुआ है, जो लोग रास्ते पर अपने सामान को बेचते थे। लेकिन ऐसे में भारत सरकार बिना किसी कागजात के लोन देने वाली है। जी बिल्कुल, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार 10,000 रुपए तक का लोन देने की तैयारी कर रही है, वो भी बिना किसी पहचान पत्र के। सरकार ये लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत देगी और इस स्कीम को सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत सड़क किनारे रेवड़ी पट्टी लगाने वाले, ठेले वाले और दुकान लगाने वाले लोगों को लोन मिलेगा। इस स्कीम की खास बात तो यह है कि इस लोन को चुकाने के लिए सरकार लोगों को 12 महीने का समय देगी। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि चीनी सामान
विमानों के बहिष्कार पर कैट का सख्त कदम, देश भर में चीन भारत छोड़ो अभियान शुरू। जी हां, भारत के साथ में बेबुनियाद विवाद खड़ा करने के बाद चीन को कई बड़े झटके लगे हैं। जानकारों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट भारतीय बाजार से हाथ धोने पर लगी है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों में भारत ने चीन के साथ में कई सारे बड़े नाते तोड़ दिए। हालांकि अब भी कई सारी चीनी कंपनियां भारत में राज्य करती है, उन्हें वापस से अपने घर यानी कि चीन में भेजने के लिए खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने भारत छोड़ो आंदोलन के मौके पर चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। संगठन का कहना है कि कई सारी भारतीय कंपनियां भारत में कारोबार करती है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चीनी कंपनियों का निवेश है और इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय कंपनियां में चीन का निवेश खत्म होना चाहिए। चलिए तो सोने और चांदी को लेकर बड़ी खबर है कि घर में पड़े सोने पर सरकार की है नजर, लागू होगा यह बड़ा नियम। जी हां, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारतीयों को बड़ा ही प्रिय है। कोई भी त्योहार हो, सोने और चांदी को बड़ा ही शुभ माना जाता है। वही सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार अवैध सोना रखने वाले लोगों के लिए अपने सोने को वैध बनाने के लिए माफी योजना लाने पर विचार कर रही है। और इस योजना के तहत सरकार टैक्स चोरी से लेकर सोने के आयात पर रोक लगाने का विचार कर रही है। सरकार के हालिया योजना के मुताबिक लोगों को ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं जिसके तहत लोग अपने सोने की जानकारी कर विभाग को देकर और उचित जुर्माना देने के साथ उसे वैध बना सकते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने घर में कितना सोना रख सकते हो, इसको लेकर सरकार ने एक तय सीमा रखी है और उसी सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने घर में उतना ही सोना रख सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है कि लोग अपने सोने की जानकारी कर विभाग को दे, इसके बाद में इसके एवज में कुछ शुल्क अदा कर इसे वैध करा सकते हैं। फिलहाल तो ये प्रस्ताव अभी शुरुआती दौर में है। आपको बता दें कि ऐसी योजना साल 2015 में भी लाई गई थी, लेकिन उस वक्त सरकार को इसमें कोई सफलता नहीं मिली थी। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ। अगर सोने और चांदी को लेकर ऐसी कोई योजना आती है तो तुरंत ही हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहे ताकि कोई भी जरूरी काम की जानकारी आपको तुरंत ही मिल सके। चलिए तो बड़ी खबर है कि सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, जानिए चांदी का भाव। जी हां, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर ही चांदी ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांदी लगभग 44,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वही अगर आज की कीमतों की बात करें तो आज सोने के भाव में भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि चांदी के भाव में आज भी तेजी देखी गई है। चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी के भाव में 940 रुपए की तेजी देखी गई, जिसके बाद चांदी का भाव 75,150 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही सोने की कीमतों की बात करें तो आज 24 कैरेट सोने के भाव में 3,950 रुपए की गिरावट देखी गई। आपको बता दें कि इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट सोने में आज देखी गई है। वही कीमतों की बात करें तो यहां पर 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम पर 5,410 रुपए, 8 ग्राम पर 43,280 रुपए, 10 ग्राम पर 54,100 रुपए, 100 ग्राम पर 5,41,000 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमतों की बात करें तो यहां पर 1 ग्राम पर 5,535 रुपए, 8 ग्राम पर 44,280 रुपए, 10 ग्राम पर 55,350 रुपए, 100 ग्राम पर 5,53,500 रुपए 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही अगर बात करें भारत के बड़े शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों के बारे में तो यहां पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु,
हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्रेस यहां पर आपको दी गई है। इसी के साथ में अगर आप भी अपने राज्य के सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपने राज्य या शहर का नाम जरूर लिखें। और इसी के साथ में रोजाना काम की बड़ी खबरें, सोने और चांदी की खबरों को जानने के लिए तुरंत ही गोल्डन बेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।